नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपकी YouTube चैनल स्टार टेक्सास 86 में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गूगल अटेंशन का CTR कैसे चेक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आपका CTR हाई है तो उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाना होगा। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना होगा अटेंशन। मैं सर्च कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों, इस वाले लिंक पर। मैं इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर 3 डेस्क ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 3 डेस्क ऑप्शन पर क्लिक करने पर दोस्तों आपको डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है, अगर आप मोबाइल से चेक करना चाहते हैं तो। मैं डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर दिया दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों ऊपर दिख रहा होगा आपको साइन इन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। साइन इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। तो आपको यहाँ पर वो ईमेल आईडी डाल जिससे आपका गूगल अटेंशन का खाता है, तो मैं डाल लेता हूँ दोस्तों। डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ दोस्तों अपना। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा गूगल अटेंशन लॉगिन हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर व्यूज मोड पर क्लिक कर देना है। व्यूज मोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सब रिपोर्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, व्यूज रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं व्यूज रिपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। व्यूज रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर डिफॉल्ट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं डिफॉल्ट रिपोर्ट पर क्लिक कर दिया दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों यह थोड़ी देर लोडिंग लेगा। उसके बाद से दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जूम कर लेना है थोड़ा सा मोबाइल को पकड़ कर। उसके बाद से आपको क्लिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो मैं क्लिक के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा CTR 1.43 दिखा रहा है। अगर दोस्तों आपका CTR 10% से ज़्यादा जाएगा तो आपका एडेंसेस का खाता बंद कर दिया जाएगा इनवैलिड एक्टिविटी के कारण। तो आप अपना CTR चेक करते रहिएगा। तो अब चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको अपना CTR किस तरह मेंटेन करना है अगर 10% से अधिक ज़्यादा है तो। तो आपको चले आना दोस्तों अपने YT स्टूडियो में। तो मैं YT स्टूडियो में आ गया दोस्तों। YT स्टूडियो में आने के बाद दोस्तों आपको अपना उस वीडियो पर जाइएगा जिस पर ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो मैं उस वीडियो पर चला जाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। आप भी जिस वीडियो पर आपका ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं उस पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अगर आपका CTR हाई जा रहा है तो। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आपको पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना दोस्तों आपको मोनेटाइजेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ पर स्किप वीडियो एड्स है, तो इसको ऑफ कर देना है दोस्तों। इसको ऑफ कर उसके बाद से दोस्तों आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो मैं सेव कर दिया दोस्तों। तो आपके जितने भी वीडियो हैं उस पर स्किप ऐड को इसी तरह करके ऑफ कर दीजिएगा दोस्तों। तो आपका CTR 2 या 3 दिन में मेंटेन हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप अपना CTR मेंटेन कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों इस पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।